and far, far sharper in their execution. Thank you, Mr. Chairman, sir. Thank you, Venaki Misra ji. Next is Kaushalendra Kumar ji. करने के विधेयक पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा 2022-23 के लिए 39.45 लाख करोड़ व्यय का बजट प्रस्तुत किया है। यह काफ़ी सराहनीय एवं विकास की रफ्तार को बनाए रखने वाला बजट है। जैसा उन्होंने कहा है कि इस वर्ष भारत का आर्थिक विकास दर लगभग 9.2% रहने की अनुमान है। यह कोरोना काल को देखते हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पर आता हुआ दिख रहा है। यह सब माननीय प्रधानमंत्री जी के सफल नेतृत्व के परिणाम है। देश और यूं कहें कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से पिछले 2 साल से त्रस्त है। यह तो टीकाकरण की सफलता का परिणाम है कि हम लोग तीसरी लहर को क्षति को कम करने में सफल रहे हैं, नहीं तो दूसरी लहर को कल्पना मात्र से ही भयावह स्थिति के बारे में एहसास होने लगता है। इस महामारी ने हमारे जीवन के रहन सहन को ही बदल रखा है। सरकार भी सजग है। आज सुदूर गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो चुकी है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इसके लिए भी सरकार बधाई के पात्र है। आज करीब सभी सरकारी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, वेंटिलेटर एवं आईसीयू की व्यवस्था हो चुकी है। सब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपसी सहयोग से ही संभव हुआ है, किंतु प्रथम लहर में हमारे मजदूर भाइयों को जो परेशानियां हुई वह पीड़ादायक था। आज बेरोजगारी एक अहम समस्या खड़ी हो चुकी है। लगभग 45% युवाओं को की आबादी है, वे बेरोजगार भटक रहे हैं। महामारी में जिनको रोजगार मिला हुआ था वह भी बेरोजगार हो गए हैं। इस घड़ी में गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज प्रदान कर राहत का काम किया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने पीएम गति शक्ति में 7 क्षेत्रों में एक साथ क्लब कर सतत विकास की गति को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इससे अधिक नौकरियां पैदा होगी। आशा है इससे बेरोजगारी की समस्या भी कम होगी। बिहार में भी कोसी मुची नदी को जोड़ने का प्रस्ताव लंबित है। दूसरी बागमती बूढ़ी गंडक और नून नदी एवं गंगा और बागमती नदी को जोड़ने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी के पास लंबित है। इसे भी लागू करना चाहिए। बिहार का 73% भूभाग हर वर्ष बाढ़ की चपेट में। कोसी और गंडक नदी पर नेपाल के मुहाने पर हवाई डैम बना दिया जाए तो बाढ़ से राहत मिलेगा। साथ ही गंगा नदी में गाद सिल्टिंग की समस्या से निपटने के लिए एक कार्य योजना की आवश्यकता है। राज्य सरकार को इसके लिए सहयोग की आवश्यकता है। माननीय वित्त मंत्री जी इस पर भी गौर करेंगे। महंगाई की समस्या पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। आज सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी है। आम लोग इस महंगाई से परेशान और त्रस्त हैं। चाहे पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम जनता तक पहुंच बाहर हो गई है। बिहार में एवं अन्य कुछ राज्य की दौर विकसित दौर में काफ़ी पिछड़ रहे हैं। यह तो सरकार की नीतियां आयोग की रिपोर्ट भी कहती है। अभी आंध्र प्रदेश के हमारे रेड्डी साहब बता रहे थे, तो उसी प्रकार से बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए लगातार बिहार के सांसद और जनप्रतिनिधि हर पार्टी के लोग बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। खास करके लॉन्ग टर्म अगर विकास नहीं होता है बिहार में तो उसके लिए काफ़ी परेशानी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि विकास दर को आगे बढ़ाते हुए खास करके जो केंद्रीय करों में छूट मिलता है उसका लाभ बिहार को भी मिले और औद्योगिकीकरण भी हो, रोजगार का भी अवसर पैदा होगा। इससे राज्य को अधिक राजस्व की प्राप्ति भी होगी। सभापति महोदय, सरकार 2022 में किसानों की आय दुगुना करने का वायदा कर चुकी है, यह पूरा होना चाहिए। देश में किसानों की आर्थिक दुर्दशा पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, जिससे कि हमारा अन्नदाता खुशहाल रहे, किसानों को अधिक कैश प्राप्त हो। इसके लिए पशुपालन चाहे मछली पालन, मुर्गा पालन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही उसके फल सब्जी के लिए जगह जगह कोल्ड स्टोरेज चैन होना आवश्यक है। तिलहन और दलहन की खेती पर अधिक प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है। इसी प्रकार सांसद आदर्श ग्राम योजना भी जो सांसदों के द्वारा चुना गया है वो विकास से परे है, उसके लिए कोई आवंटन नहीं है, न कोई फंड उसके लिए है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सांसद ग्राम योजना को विकास के लिए कोई अलग से इसके लिए फंडिंग करना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी का 80 लाख पक्के आवास की घोषणा सराहनीय कदम है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक वाहन का कार्य योजना भी लाभदायक होगा। महोदय, सरकार पुराने गाड़ियों की इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने के लिए अधिक सब्सिडी देने पर विचार करे, इससे मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा होगा। रेलवे कोरोना काल से जो बंद हुआ है, कई ऐसे जगह हैं जहां पर कोरोना काल का ही स्पेशल ट्रेनें चला करके काफ़ी पैसा ग्रामीणों से वसूला जा रहा है, और जो स्पेशल ट्रेन होल्ड पर रुकती थी, जो छोटी जो लोकल ट्रेन थी, उसको भी नहीं रोका जा रहा है। इससे काफ़ी आम लोगों में परेशानी है, इसको भी दूर करने की आवश्यकता है। बिहार में रेलवे की ECR जोन में करीब 57 नई परियोजनाएं चल रही है, परंतु आवंटन 6,606 करोड़ हुआ है। इससे रेल परियोजनाओं को पूरा करने में परेशानी होगी। मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है और बौद्ध सर्किट से भी जुटा हुआ है। लगातार हम लोग प्रयास मांग करते रहे हैं कि बौद्ध सर्किट से जुटा हुआ है, जबकि कुशीनगर, बनारस, गया बुद्ध सर्किट में हवाई योजना उड़ान शुरू हो गया है, लेकिन नालंदा में अभी तक हवाई अड्डे का कोई कार्यक्रम नहीं चला है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रस्ताव दिया जाए। भारत माला के तहत NH परियोजनाओं में जो भी NH एवं एक्सप्रेसवे बिहार को आवंटित हुआ है, उस पर तेज गति से कार्य पूरा किया जाए, इसकी आवश्यकता है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री अपरूपा पोदा जी। Thank you, Speaker sir, for allowing me. Thank you, sir, for Chairman sir for giving.